पुस्तक प्रीहिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन हैं? प्रीहिस्टोरिक इंडिया पुस्तक लिखी थी स्टुअर्ट पिगाट ने। आंसर है ऑप्शन बी। पुस्तक प्रिमिटिव आर्ट के लेखक कौन हैं? प्रिमिटिव आर्ट पुस्तक लिखी थी लियोनहार्ड एडम ने। आंसर है ऑप्शन सी। पुस्तक अवर हेरिटेज का लेखक कौन सा कलाकार है? अवर हेरिटेज पुस्तक लिखी थी ऑप्शन डी असित कुमार हालदार जी ने। असम का ओझा पाली और उड़ीसा का पाला देश का एक रूप है, तो ये है गाथा गीत का एक प्रकार। आंसर है इसका ऑप्शन बी। एनवायरनमेंट चित्र एक्रिलिक और कोलाज माध्यम में किस कलाकार ने निर्मित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी बी आर पनेसर जी ने। द कस्बा गेट चित्र के कलाकार कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन डी हेनरी मातिस। इन्होंने इस चित्र को बनाया था ऑयल माध्यम में, जो अब न्यूयॉर्क म्यूजियम में है। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी डीएच गार्डन को जाता है इसका श्रेय। निम्नलिखित में से किसमें समानता है? कबरा पहाड़, महादेव पहाड़ियाँ और सिंहनपुर, इन सभी में समानता है। इन सभी में मानव आकृतियाँ एक ही तरह की प्राप्त हुई हैं। एएच बॉडरी की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये प्रकाशित हुई 1958 में। आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ से एक विशाल हाथी का 10x6 फीट आकार का चित्र प्राप्त हुआ है? ये चित्र मिला है आदमगढ़ में। आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आंसर है सरहत, मलवा, करियाकुंड, ये सभी हैं। ऑप्शन डी यह सभी। लश्करिया खो की गुफा कहाँ स्थित है? लश्करिया खो की गुफा है पंचमढ़ी में। आंसर है ऑप्शन सी। डे और नाइट, योगिनी और टाइम गो स्लो चित्र की कलाकार है? आंसर है ऑप्शन ए अपर्णा कौर। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए बेल्लूर। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी के किनारे। जलता मकान और होशियारपुर कविता संग्रह के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी विनोद भारद्वाज। फ्लावर कैरियर किस कलाकार की रचना है? आंसर है ऑप्शन डी, इस चित्र को बनाया है डिएगो रिवेरा ने। द ग्रोस क्लिनिक चित्र के कलाकार हैं? आंसर है ऑप्शन ए थॉमस इकिन्स। लिपस्टिक और मनकी बनाने के कारखाने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन बी चन्हूदड़ो से। एसएम पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन सी गुलबर्गा कर्नाटक में। शेर के शिकार का दृश्य और धनुर्धर एवं योद्धा कहाँ अंकित हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी मांडादेव में। स्वास्तिक पूजा के 2 दृश्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्वास्तिक पूजा के दृश्य प्राप्त हुए हैं बनिया मेरी से। आंसर है ऑप्शन ए। आदमगढ़ नामक पहाड़ी कहाँ स्थित है? आदमगढ़ है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रायगढ़ से संबंधित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए घोड़मंगर रायगढ़ में नहीं है। इमली खो की गुफा कहाँ स्थित है? इमली खो की गुफा है पंचमढ़ी में। आंसर है ऑप्शन सी। भैंसे के शिकार का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भैंसे का शिकार का दृश्य प्राप्त हुआ है पंचमढ़ी की गुफा से। आंसर है ऑप्शन सी।